नमस्कार, स्वागत है आपका। और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रीमेक इडबा। प्रधान शिक्षक के परीक्षा तिथि को लेकर बड़ी खबर निकल के आई है, और खबर यह है कि प्रधान शिक्षक के परीक्षा की तिथि बढ़ा दी गई है। उसी से संबंधित ये वीडियो है, और वो पत्र जो सार्वजनिक हुआ है और जिसके माध्यम से ये खबर निकल के आई है कि परीक्षा की तिथि बढ़ा दी गई है, वो कौन सा पत्र है और क्या वो बीपीएससी के माध्यम से कोई पत्र आया है? अगर वेबसाइट पे जाके देखा जाए तो बीपीएससी के माध्यम से कभी अभी तक कोई भी पत्र पब्लिक नहीं हुआ है, लेकिन समाहरणालय गया का एक पत्र सामने आया है जिसके माध्यम से यह कहा जा रहा है कि प्रधान शिक्षक के परीक्षा की तिथि बढ़ा दी गई है। तो आइए उस पत्र को देखते हैं और इस वीडियो में जानते हैं कि क्या वो तिथि है जो बढ़ा दी गई है, और कैसे पता चला है कि परीक्षा की तिथि बढ़ गई है और इसकी सत्यता क्या है। आपके सामने एक पत्र है और ये है, जैसे मैंने कहा, ये समाहरणालय आपको गया का है, और ये लिखा है जिला पदाधिकारी गया ने अपने अपर समाहर्ता अनुमंडल पदाधिकारी सदर गया और पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय गया और सभी जिला शिक्षा सभी नहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी गया। और इसमें प्रसंग में दिया गया है, विषय में दिया गया है कि विज्ञापन 25/2024 से प्रधान शिक्षक के लिए विज्ञापन संख्या है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा के संचालन हेतु आवासन को संतुष्ट करने के संबंध में, यह एक पत्र है जो सभी वहां अनुमंडल एसडीओ को लिखा गया है, अपर संवाददाता को लिखा गया है, और जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा गया है गया को, कि इसलिए इस विज्ञापन जो 25/2024 है वहां आवासन के संबंधित में। और प्रसंग है, ये पत्र आपको 30/5 यानी कल पत्र ये लिखा गया है, और इसमें प्रसंग दिया गया है एक पत्र का, इसमें बिहार लोक सेवा आयोग का पत्रांक 230 यानी 24/4/2024 और पत्रांक 620 30/5/2024। ये केवल ये पत्र जो है ये किस पत्रांक के, बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 620 आपको 30/5/2024 जो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आया है, इसी पत्रांक के माध्यम से आपको इस परीक्षा की तिथि बढ़ाई गई है। हम और सभी लोग देख रहे हैं और कह रहे हैं कि गया के समाहरणालय की चिट्ठी के आधार पर, लेकिन यहाँ बीपीएससी के माध्यम से भी जो पत्र 30/5 यानी 30 तारीख को निकाली गई थी परसों, उसके आपके आलोक में ये पत्र लिखा गया है। किसको? जिला शिक्षा पदाधिकारी और अन्य अधिकारियों को। और इस पत्रांक के 1973 है, आपको गोपनीय का 9/5 को एक तिथि चिट्ठी लिखी गई थी गया की जिलाधिकारी के द्वारा अपने जो भी पदाधिकारी हैं उनको। और लेकिन यहाँ मूल बात यह है कि बिहार लोक सेवा आयोग का पत्रांक 620 और 30/5/2024 को जो बिहार लोक सेवा आयोग ने जारी किया, उसके आधार पर आपको ये पत्र जारी किया गया। तो यहाँ एक चीज सामने आ गई कि बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक की तिथि हमारे सामने आ गई, तो यानी ये खबर बिल्कुल पुष्ट हो जाती है कि 620 यानी 30/5/2024 में जो पत्र दिया था उसके आलोक में पत्र लिखा गया। तो इस पत्र में क्या है, पहले पैराग्राफ में लिखा है कि जो इस पत्रांक का जिक्र है, इसमें प्रसंग है, इसके बारे में लिखा गया था ये 9/5 को कि भाई 13/6 को परीक्षा होने वाली है, गुरुवार को आप 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक इसके लिए आवासन की व्यवस्था आप करें। उसी से संबंधित उपरोक्त में आपको आपको विहिप पत्र में भेजा गया था आवासन के लिए। अब क्या किया है, इस पत्र में कहा गया है, इस पत्र में यहाँ जिक्र है कि आयोग के पत्रांक 620 लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के दिनांक 30/5/24 द्वारा विज्ञापन संख्या 25/24 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा के संशोधित तिथि 22/6/2024 शनिवार 12 बजे से लेके 2:30 बजे तक अपराह्न तक एकल परीक्षा की पाली की परीक्षा के लिए पूर्व में भेजे गए आवासन को संपुष्ट करते हुए आपको 30/6 तक आयोग को भेज। अब कहानी यह है कि अब हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है इस पत्रांक से, पत्रांक 620 के अनुसार ये परीक्षा की तिथि जो है, ये परीक्षा की तिथि आपको बढ़ा के कब कर दी गई है, परीक्षा की तिथि बढ़ा के आपको 22/6 कर दी है। हमें गया के जिलाधिकारी के आपको पत्र को ज्यादा प्रसंग में नहीं लेना पड़ेगा, हमारे पास बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक आपको पता चल गया, यानी बिहार लोक सेवा आयोग ने इसके लिए पत्र जारी कर दिया है। तो परीक्षा की तिथि निकल के हमारे सामने आ गई और ये खबर पुष्ट भी हो गई कि आपको 22/6
2024 को प्रधान शिक्षक की परीक्षा आयोजित होगी। क्लियर है? यानी 22 जून की परीक्षा आयोजित होनी तय है। तो यह है खबर इस वीडियो में। आशा है आपको इससे अपडेट हुए होंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए अपडेट के साथ, नई सूचनाओं के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।